कैसे हैं जी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसा कि आपको पता है कि ईद आ रही है और आज मैंने ड्रेस की पहना है जी ईद के लिए, जो मैंने बनवाया। और मैंने कहा आपके साथ इसी ड्रेस के साथ मैं मेकअप लुक शेयर कर दूँ। तो आज की जो लुक है वो है 5 मिनट में तैयार होना है जी। 5 मिनट में हम लोग जल्दी से ये वाला मेकअप करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है ईद है, ईद पर बड़ी ईद पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग तैयार हो जाए, क्योंकि फिर भी कोई ना कोई आ जाता है और हमें रेडी होना पड़ता है। इसलिए 5 मिनट वाली लुक जो आज मैं क्रिएट करूँगी आपके लिए। करते हैं जी आज का मेकअप स्टार्ट। तो आपको दिखाती हूँ सबसे पहले चीज़ें और जल्दी से मेकअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैं ले लूँगी मिस रोज का प्राइमर, और ये वाला प्राइमर सिलिकॉन बेस पे, और ये लेकर अच्छे से मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है जी। मेरी ओपन पोर्स वाली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, ठीक है। और अब तो आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में जो स्किन है ना उस पर मेकअप जो ठहरना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। आपके ओपन पोर्स खुल जाते हैं, आपकी स्किन पर ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है। जितना मर्ज़ी आप स्किन को प्रेप कर लो, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ें अप्लाई कर लो, लेकिन फिर भी आपको ये इशू रहता है। आज जो मैं बेस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, वो है जी वाटरप्रूफ। वो आपको किसने नहीं बताया होगा, पूरी यूट्यूब पे आप ढंडोल कर खोल कर देख लें। ये वाली ट्रिक जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने लगी ना, ये किसने नहीं बताया होगा। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने बेस अप्लाई की उसके बारे में बता दूँ जी, वो बेस है शेफर की, ठीक है। लोकल मार्केट से आम रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है, 400, 450 या 500 के हद तक। और ये इस तरह से थोड़ी सी हांडी बेस में होती है, ठीक है। इसको मैंने लाइट लाइट अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी बेस को मैं सेट करने के लिए, वो क्या चीज़ है, वो है जी सीलर, जो हम अपने ग्लिटर को फिक्स करने के लिए अप्लाई करते हैं जी। हाँ, वही वाला सीलर। इसको लिए है मैंने 2 ड्रॉप्स अपने हाथ पे, इसको लेकर अच्छे से मैंने राम राम से जिस तरह से हमने अपनी बेस पे इसको सेट कर लेना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना, इस तरह से अप्लाई कर लेना है। और इस ये क्या काम करेगा ये मैं आगे जाके भी आपको तफसील से बताता हूँ। यहाँ पर जी लिया मैंने एवरग्लो का पैनकेक, और ये भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस से मार्केट से मिल जाता है, 450 इसकी प्राइस है। और ये गर्मियों में ना मेरी बेटी यूज़ करती है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको इससे भी बेस बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले जी उस पर हमने शावर कर लिया, पानी का कर लें, रोज़ वाटर का कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर हम मैंने लिया साथ ही स्पंज, और इसको लेकर अच्छे से मैंने अपने फेस पर लाइट लाइट अप्लाई किया। अच्छा, गर्मियों में आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी बेस ज़्यादा हैवी मत बनाएं, ठीक है। जितनी ज़्यादा गर्मी है, जितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो जाती है हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें क्या चाहिए, बिल्कुल लाइट बेस बनानी चाहिए। उसके बाद ये रिवाज यूके का मैंने यहाँ पर ले लिया मेकअप फिक्सर, इसको लेके अच्छे से मैंने पहले उसको अपने फेस पे सेट कर लिया। उसके बाद इसको अप्लाई करने के बाद इसको मैंने ऐसे नहीं छोड़ना है, मैंने इसको भी टैप करके अपनी स्किन के अंदर इसको भी जज़ब कर देना है, ठीक है। इसको ड्राई होने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। उसके बाद जी मैंने ग्लैमरस का लिया कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको लेकर अच्छे से अपने फेस पे मैंने अप्लाई कर लेना है। और ये भी डार्क शेड में, मतलब कि मेरी स्किन के साथ मिलता जुलता है। अच्छा, ये जो हिडन ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये कहीं भी आपको किसी ने भी नहीं बताई है। चैलेंज है मेरा, आप पूरी यूट्यूब पे आप खोल कर देख लें, और ये आपने इस तरह से बेस बनाकर देखनी है, और इतनी गर्मी में मुझे फिर बताना है कि कितनी ज़बरदस्त बेस बनी है। और आपकी इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी में जून के महीने में जी, 16 जून है आज, और 16 जून की डेट को ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और आज ही मैंने ये वीडियो बनाई है। बल्कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जी, मैंने इसको बेस को अप्लाई करने के बाद कपड़े भी वॉश किए, खाना वगैरह भी बनाया, और फिर मैंने ना आपके साथ ये बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है। उसके पहले हमने एडिटिंग करने पे लगी हुई थी मेरी बेटी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि ये इतनी वाटरप्रूफ है कि ना मेरे ओपन पोर्स जो है थे ना वो खुले, और ना ही मुझे पसीना आया। अच्छा, इतनी ज़्यादा गर्मी में हम इसीलिए लाइट सा मेकअप भी नहीं करते, क्योंकि हमें यही प्रॉब्लम रहती है कि नहीं जी हमारी बेस ख़राब हो जाएगी, सारा पसीना आ जाएगा, ओपन पोर्स जितने बुरे लगते हैं, गंदे लगते हैं, मेकअप बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बेस हमारी स्किन नोज से फट जाती है, हमारी स्किन से फट जाती है। लेकिन इस बेस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपने यही हिडन ट्रिक्स अप्लाई करनी है। अगर आपके पास ये वाली बेस नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि जी यही बेस हो तो हमारा काम चलेगा, नहीं। आपके पास कोई अच्छी सी बेस अगर है, जैसे कोई लिक्विड बेस है वो वाली यूज़ करते, तो आप उसके अंदर क्या करें, उसके अंदर आप 2 ड्रॉप्स आपने सीलर के मिक्स करके अपनी बेस फेस पर अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। और उसको आपने जिस तरह से मैंने फिक्स किया वैसे ही आपने फिक्स करके, तो आपने फिर देखना है जी कितना ज़बरदस्त मेकअप बन जाएगा।
अच्छा जी, यहाँ पर तफसील से मैं आपको इसलिए बता दी थी, उतनी देर में हमने आईज़ का मेकअप हाफ से ज़्यादा कर लिया। पहले मैंने डार्क ब्राउन शेड लगाया, उसके बाद पिंक शेड लगाया, और मेरी जैसे आपको पता है हुडी आईज़ है, तो मैं ज़्यादा ऊपर को नहीं लेकर जाऊँगी। जिनकी मेरी तरह आईज़ है वो इस तरह से अपना मेकअप अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं अपनी आईज़ पर, तो बहुत ही अच्छा जो आपका आईज़ मेकअप है ना वो होगा। ठीक है, लाइनर मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने हाईलाइटर अप्लाई कर लिया इनर पर भी और ब्रो बोन के पास भी, ठीक है, लाइट लाइट सा, क्योंकि ज़्यादा ऊपर अगर मैं मेकअप लेकर जाऊंगी, जिस तरह से आपको पता है मेरी सूजी सूजी सी आईज़ और बहुत फूली फूली सी, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। ठीक है, आप मेकअप उस तरह से अप्लाई करें कि आपका मेकअप जो है ना हुडी आईज़ पे सूट करें। यहाँ पर जी ब्लैक शेड लिया और बिल्कुल छोटू सा मैंने ब्रश लेकर ना उसको ही मैंने ये देखे सिर्फ आउटर वी की तरफ, जो हमारा वी है ना, बस मैंने वहाँ पर ब्लैक शेड अप्लाई करना है और उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है, ऐसा कि हमारी आँख जो है ना वो लंबी सी लगे, दबी दबी सी ना लगे। बस जी, हमारा मेकअप हो गया कम्प्लीट। यहाँ पर देखें नो लाइनर, और लाइनर गर्मियों में पसीने की वजह से भी आपको पता है कि वो भी फैल जाता है, इसलिए वैसे भी मेरी जो आईज़ पे ना लाइनर ज़्यादातर सूट नहीं करते हैं, तो मुझे यही जो चीज़ है ना एक बहुत ज़्यादा सूट करती है, अपनी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर मैंने मस्कारा अप्लाई कर लेना है लैशेज़ को कर्ल करके, उसके बाद ही यहाँ पर मेरा गुम हो जाता है ब्लश शॉन ब्रश, और फिर मैं हाथ से ब्लश ऑन लगा रही थी और मैंने कहा चलो जल्दी से मेकअप करना है, मैं उसको ढूंढने बैठ गई तो टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो जाना है, तो फिर जी दूसरा ब्रश लेकर मैंने कंटूर बाद में किया। ठीक है, उसको ढूंढने में मुझे थोड़ा सा हाथ से लगाने में टाइम लगा, तो यहाँ पर फिर मैं कंटूरिंग कर लूँगी। देखें मेरी डबल चिन कितनी ज़्यादा है, जिनकी डबल चिन इस तरह से है उन्होंने नीचे को, ठीक है, कंटूर करना है, ऊपर को बिल्कुल नहीं करना, ताकि ये जो आपकी डबल चिन बनी हुई है ना वो आपकी शेड की वजह से ना कम नज़र आए। ठीक है, फिर आपकी एक जो लाइन ना पता चलता है आपकी बनी हुई लगती है। फिर यहाँ पर जी मैंने कर लेना है लिप ग्लॉस अप्लाई, और ये था जी मेरा आज का मेकअप। और यहाँ पर ये वाली बेस आप खुद देख सकते हैं कितना डार्क शेड है, मैंने बिल्कुल अपनी स्किन से बिल्कुल मैच शेड लिया। आप जितनी भी अपनी स्किन से मैच बनाओगे ना बेस, उतनी ज़्यादा फ्लॉलेस अच्छी बेस बनेगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक को लाइट कर लिया, आप वही बेस अप्लाई करने से, ज़रूरी नहीं है आप दूसरा शेड लो तो उससे लाइट करो, आप बेस से भी अपनी लिपस्टिक को कई कलर दे सकते हो। वो भी मैं किसी दिन वीडियो लेकर आऊँगी कि आप बेस से किस तरह से अपनी लिपस्टिक के कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी मेरा आईज़ मेकअप भी कंप्लीट हो गया, साथ ही मैंने कहा चलो बालों का थोड़ा सा हेयर स्टाइल, क्योंकि मैं करी हूँ यहाँ पर ईद लुक, और आपको पता है ईद आ रही है जी भाग कर, बहुत जल्दी जल्दी से ईद आ रही है, बकरा ईद, और बकरा ईद पर हमें इतना ज़्यादा टाइम जो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा, कुर्बानी के काम, कहीं जाना है, कोई आ रहा है, तो हमें जल्दी जल्दी से अपना मेकअप भी फाइनल करना होता है, और वो भी वाटरप्रूफ अगर मेकअप बन जाए, और जल्दी से छोटू सा हेयर स्टाइल भी बनाना होता है, तो आप खुद भी ये काम कर सकते हो। ये देखें कि हम किसी से अपना मेकअप करवाएं, किसी से अपना हेयर स्टाइल बनवाएं, जी नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, आपको इतना करना आना चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने ये देखे खुद से ही ब्रेड अपने बालों पर बना ली है, और बनाकर इसको फिश टेल जिसको कहते हैं वो मैंने लाइट से बना ली, इसको थोड़ा सा लूज कर दिया, और कितनी अच्छी बन गई है जी। यहाँ पर मेरी लुक फाइनल हो चुकी थी, ये मेरा ईद का ड्रेस था, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया जी पहले ही, ताकि मैं आपके साथ अपने मेकअप की लुक जो मैं ईद पे करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, और आपको पता चल सके कि किस तरह से हमने जल्दी से 5 मिनट में रेडी होना है, और जल्दी से अपनी मेकअप को कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, कैसा लगा मेरा मेकअप आज का, और मेरी हिडन टिप्स कैसी लगी, टिक्स नहीं टिप्स कैसी लगी, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है, और बेस बनाकर भी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि वो वर्क किया कि नहीं, वो वाटरप्रूफ है 100%। और ये था मेरा आज की वीडियो, फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।